Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss an important event of Indian history that took place on 17th of August. और वो event क्या है? The event is related to मदन लाल ढींगरा, जो कि एक revolutionary थे और freedom fighter थे इंडिया के. उनकी death हुई थी 17th of August को, उसी को discuss करेंगे. On 17th of August 1909 मदन लाल ढींगरा वाज हैंग्ड. इनकी डेथ कैसे हुई थी? तो फांसी की सज़ा हुई और फांसी दे दी गई इनको 17 अगस्त 1909 को. तो अगर इनके बर्थ की बात करें तो ही वाज बॉर्न ऑन 18th of September 1883 इन अमृतसर पंजाब. पंजाब के अमृतसर में इनका जन्म हुआ था. एंड ऑन 1st of July 1909 ही असैसिनेटेड विलियम हर्ट कर्जन वाइली एन असिस्टेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. हुआ क्या कि मदन लाल ढींगरा जो है वो इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए गए और वहाँ पर फिर जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, जो सावरकर ब्रदर्स थे, इन लोगों के साथ फिर इनकी जो है दोस्ती हुई. इन लोगों से इनका संपर्क हुआ और फिर इन्होंने जो है विलियम कर्जन वाइली की डेथ या उनकी हत्या करने का प्लान बनाया और 1 जुलाई 1909 को उनकी हत्या कर दी. इनकी विलियम कर्जन वाइली की, जो कि कौन थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते थे उस वक्त के, उनके असिस्टेंट थे. हम जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी हमारे देश में तो क्या होता था कि एक सबसे बड़ा एक पोस्ट होता था जिसको बोलते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. एक तो होता था वायसराय जो कि इंडिया में रहते थे और दूसरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि इंग्लैंड में रहते थे. इंग्लैंड में लंदन में एक ऑफिस था, इंडिया ऑफिस, वहाँ पर रहते थे. और उस वक्त जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे 1909 में. तो अगर हम याद करें 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हुआ था. तो जो मॉर्ले मिंटो है, इसमें मिंटो जो है वो वायसराय थे इंडिया के और जो मॉर्ले है वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे. तो जो मॉर्ले हैं जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे 1909 में, उनके असिस्टेंट विलियम हट कर्जन वाइली थे, ठीक है. तो उस असिस्टेंट को इन्होंने मारा. जो वायसराय थे उस वक्त के, उनको भी मारने का प्लान था इन लोगों का, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने मारा असल में विलियम हर्ट कर्जन वाइली को, ठीक है. तो इनको मारने का प्लान बनाया और फिर इनको गोली मार दी और इनकी हत्या कर दी. इस असैसिनेशन अटैम्प्ट में एक और व्यक्ति की मौत हो गई थी जो कि एक पारसी डॉक्टर थे, कोवास लाल कक्का, इनकी भी डेथ हो गई. तो दो लोगों की हत्या हो गई, विलियम कर्जन वाइली और साथ साथ जो पारसी डॉक्टर थे कोवास लाल कक्का, दोनों की हत्या कर दी गई. अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको ये एक स्टोरी बता दूँ कि ये जो विलियम हट कर्जन वाइली थे, ये मदन लाल ढींगरा के जो फादर थे ना, उनके दोस्त थे, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जिसकी वजह से जब मदन लाल ढींगरा ने इनको मारा तो उनके मारने की वजह से उनके जो फादर थे, मदन लाल ढींगरा के फादर, उन्होंने मदन लाल ढींगरा को क्या कहा कि उन्होंने फैमिली से बेदखल कर दिया. और इनफैक्ट अभी भी मदन लाल ढींगरा की जो डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है तो उनकी फैमिली की तरफ से कोई शामिल नहीं होता है उनकी डेथ एनिवर्सरी में. इंडियन गवर्नमेंट, हमारे देश में सरकार जो है, हमारा देश उन्हें शहीद मानता है, उन्हें मार्टियर की श्रेणी में रखता है, लेकिन उनकी फैमिली अभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, उनकी डेथ एनिवर्सरी भी मनाई नहीं जाती है. और जो उनकी डेथ हुई थी ऑन 17th of August 1909, ही वॉज एग्जीक्यूटेड इन पेंटोन विले प्रिजन. लंदन में है एक जेल जिसका नाम है पेंटोन विले प्रिजन, यहाँ पे उनको फांसी की सज़ा दी गई थी. ये जो पेंटोन विले प्रिजन है, यहीं पर एक और व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई थी जिसका जो कि काफ़ी चर्चित है, ऊधम सिंह का नाम हम जानते हैं. ऊधम सिंह जिनको 1940 में फांसी की सज़ा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने किनको मार दिया था, जो माइकल ओडायर थे उनकी हत्या की थी, जिसकी वजह से उनको 1909 में फांसी हुई थी. तो उनको भी इसी जेल में फांसी दी गई थी, पेंटोन विले प्रिजन जो कि लंदन में. तो जब फांसी की सज़ा हो गई, इनकी डेथ हो गई, फांसी हो गई इनको 17 अगस्त को, उसके बाद इनकी जो डेड बॉडी है, इनकी जो लास्ट राइट्स है, वो भी इनकी फैमिली वालों ने परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि इनकी फैमिली वाले जो है उनको बेदखल कर दिया था उन्होंने फैमिली से और उनको अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते थे. इनफैक्ट उन्होंने न्यूज़पेपर में भी, इनके फादर ने बाकायदा न्यूज़पेपर में ऐसा लिखवाया था, ये किया था, पब्लिश किया था कि वो अब उस फैमिली का पार्ट नहीं है, मदन लाल ढींगरा उनकी फैमिली का पार्ट नहीं है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हुई. तो मदन लाल ढींगरा की डेथ हुई 17th अगस्त 1909 को, ठीक है. अब क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन है, UPPCS 2004 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गॉट सेंटेंस टू बी हैंग्ड
फॉर असैसिनेशन ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड। इनमें से किन दो कौन सी ऐसी जोड़ी है जो कि जिनको कि ब्रिटिश ऑफिसर को मारने की जुर्म में या मारने की जुर्म में जो है फांसी की सजा हुई थी। ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंग्लैंड, जिन्होंने इंग्लैंड में ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो सी मदनलाल ढींगरा एंड उधम सिंह। मदनलाल ढींगरा ने विलियम हर्ट कर्जन वाइली को मारा, जो कि कौन थे, उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी कि जॉन मोरले, जो इंग्लैंड में रहते थे, उनके असिस्टेंट थे, ठीक है। तो उस वक्त के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के असिस्टेंट थे कर्जन वाइली, उनकी हत्या की मदनलाल ढींगरा ने। और ऊधम सिंह ने किनको मारा था, ऊधम सिंह ने मारा था जो माइकल ओ डायर थे, जो कि जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उस वक्त वहाँ के पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो उस माइकल ओ डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। मदनलाल ढींगरा और ऊधम सिंह दोनों को फांसी की सजा हुई, दोनों को एक ही जेल में फांसी दी गई। कौन से जेल में, पेंटन विले प्रिजन में। लेकिन मदनलाल ढींगरा को फांसी दी गई 17 अगस्त 1909 में और ऊधम सिंह को फांसी दी गई थी 1940 में जाकर, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी थी हमारी आज की मदनलाल ढींगरा, जिनसे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए बाद में। काफ़ी सारे रिवोल्यूशनरी जिनको हम जानते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वो सारे लोग इनसे इंस्पायर्ड थे, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।